एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी 80s। तो जेनेटिक मटेरियल की खोजबीन में ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट हमने कर लिया, ऑस्वर्ल्ड एवेरी मैकली और मैकार्टी वाला एक्सपेरिमेंट भी हमने कर लिया। अब बात आती है हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट की। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने पढ़ा कि भाई 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के साथ एक्सपेरिमेंट किया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाला एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा। अगर ये वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वीडियो का लिंक है, एक बार पहले इस एक्सपेरिमेंट को जरूर समझिएगा, तभी आप आगे की कहानी जान पाएंगे। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के जरिए ग्रिफिथ भैया ने ये तो बता दिया था कि एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में कुछ ना कुछ ट्रांसफर हुआ है, जिसकी वजह से आर स्ट्रेन डिजीज कॉजिंग बन चुका। लेकिन वो कुछ ना कुछ क्या चीज थी, उसका नेचर हम लोगों को पता नहीं चला। फिर इसके बाद 1933 से 1944 में आए आपके एवरी मैकली और मैकार्टी, जिन्होंने क्या किया, हीट किल एस्ट्रेन के बायोकेमिकल्स को एक्सट्रैक्ट किया, उन्हें डिफरेंट एंजाइम से डाइजेस्ट करने के बाद ये प्रूव किया कि भाई डीएनए इज द जेनेटिक मटीरियल। लेकिन इनके एक्सपेरिमेंट को बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर बस नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की शुरुआत हुई। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया हर्शे एंड चेज ने। 1952 में एक्सपेरिमेंट हुआ था, एल्फर्ड हर्शे एंड मार्था चेज ने एक्सपेरिमेंट किया था, जिसे कि ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल भी कहा जाता है। अब इस एक्सपेरिमेंट को ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल क्यों कहा जाता है, ये भी हम जानेंगे। चलिए जानते हैं कि एल्फर्ड हर्शे और मार्था चेज ने जेनेटिक मटीरियल का नेचर जानने के लिए क्या एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने काम किया बेटा बैक्टीरियोफेजेस के साथ। बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं? बैक्टीरियोफेजेस आर द वायरसेस विच इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। वो वायरसेस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं। कुछ लोग इन्हें बैक्टीरियोफाजेस भी बुलाते हैं, दोनों प्रोनंसिएशन करेक्ट है, ठीक है, तो मैं बैक्टीरियोफेजेस बोल रही हूँ। तो द वायरसेस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया आर नोन एज बैक्टीरियोफेजेस। अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो बैक्टीरियोफेजेस का आउटर कोट होता है बेटा, ये आउटर कोट जो है ये प्रोटीन से बना होता है, ठीक है, और जो इनर कोर होता है, ये जो इनर कोर है ये डीएनए का बना हुआ होता है। तो बैक्टीरियोफेजेस आर द वायरसेस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया। स्ट्रक्चर की बात करूं तो इनका आउटर कोर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन और इनका इनर कोर इज मेड अप ऑफ डीएनए। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं बैक्टीरियोफेजेस कंसिस्ट ऑफ आउटर प्रोटीन कोट एंड इनर डीएनए कोर। इनके अंदर डीएनए होता है और बाहर की कोटिंग प्रोटीन की होती है। अब बैक्टीरियोफेजेस हम कह रहे हैं वायरसेस को इन्फेक्ट करते हैं। कैसे इन्फेक्ट करते हैं? ये मैंने बैक्टीरियोफेज बनाया, छोटा सा प्यारा सा बैक्टीरियोफेज बनाया। बैक्टीरियोफेज जाकर चिपक गया हमारे बैक्टीरिया से, ठीक है, मैं इन्फेक्शन बता रही हूँ कैसे होता है। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया से जाकर अटैच हो गया। अब इन्फेक्शन कैसे होता है कि बैक्टीरियोफेज अपनी जेनेटिक मटीरियल को ईकोलाई के अंदर ट्रांसफर कर लेता है। ईकोलाई के सेल्स को लगता है कि ये जो जेनेटिक मटेरियल अंदर आया है ये शायद मेरा ही जेनेटिक मटेरियल है, और वो क्या करता है, खूब सारे ये वाले जेनेटिक मटेरियल प्रोड्यूस करने लग जाता है। तो ईकोलाई के सेल के अंदर बहुत सारे वायरस पार्टिकल्स बन जाते हैं। अब क्या होता है, ईकोलाई की सेल वॉल रप्चर करती है और यहाँ से बहुत सारे नए बैक्टीरियोफेज पैदा हो जाते हैं। अब ये बैक्टीरियोफेज किसी और ईकोलाई को इन्फेक्ट करेंगे और इस तरीके से साइकिल रिपीट होती रहेगी। अब द प्रोसेस बाय विच बैक्टीरियोफेज ट्रांसफर देयर जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम इज नोन एज ट्रांसडक्शन। दोबारा से जानते हैं, बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं, दीज आर द वायरसेस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया। ये लोग बैक्टीरिया से चिपक जाते हैं, अपनी जेनेटिक मटीरियल को ट्रांसफर करते हैं, बैक्टीरिया को लगता है ये शायद मेरा खुद का जेनेटिक मटीरियल है और खूब सारे वायरल पार्टिकल्स प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। बैक्टीरिया की सेल वॉल रप्चर होती है, बैक्टीरियोफेज बाहर आते हैं, जैसे ही वो बाहर आए और बहुत सारे बैक्टीरिया पे वो चिपक गए और वापस से इनको भी इन्फेक्शन करने लगे और यही वाली साइकिल रिपीट होने लग गई। अब इसमें क्या हुआ, इस पूरी प्रोसेस में बैक्टीरियोफेज ने अपनी जेनेटिक मटीरियल को एक बैक्टीरिया से बहुत सारे बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया। The process by which bacteriophage transfers its genetic material from one bacterium to several other bacteria is known as transduction. इसीलिए जो एल्फर्ड हर्शे और मार्था चेज का एक्सपेरिमेंट था उसे ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, इसमें हम पढ़ रहे हैं कि बैक्टीरियोफेज ने कैसे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, ठीक है। अब स्टेप पर आते हैं कि बैक्टीरियोफेज के साथ इन्होंने किया क्या। भाई देखो, इन लोगों ने क्या किया, एल्फर्ड हर्शे और मार्था चेज ने बैक्टीरियोफेज को दो मीडियम में ग्रो किया बेटा, ठीक है, एक मीडियम ये रहा और दूसरा मीडियम ये रहा। बैक्टीरियोफेजेस द वायरसेस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया, इन्होंने दो मीडियम में बैक्टीरियोफेजेस को ग्रो किया। एक मीडियम ऐसा था जहां पर रेडियो एक्टिव सल्फर प्रेजेंट थी। अब ये समझ लो बैक्टीरियोफेज के लिए दो प्लेट रेडी है, यहां पर हम बैक्टीरियोफेज को पैदा करने वाले हैं। एक प्लेट में रेडियो एक्टिव सल्फर प्रेजेंट है और दूसरी प्लेट में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस प्रेजेंट है।
अगर आप लोगों को बेसिक जेनेटिक्स आती है तो आप लोगों को पता होगा डीएनए कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। डीएनए के पास क्या प्रेजेंट होता है? फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। तो जो बैक्टीरियोफेज रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम में ग्रो करे गए, उन बैक्टीरियोफेज के अंदर जो डीएनए का कोर प्रेजेंट था, उस डीएनए ने फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब कर दिया। यहां पर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था, तो यहां पर जितने भी बैक्टीरियोफेज ग्रो हुए उनका डीएनए भी रेडियो एक्टिव बन गया। सिंस डीएनए कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोरस, डीएनए के पास कॉन्स्टेंट क्या होता है? फॉस्फोरस होता है। तो जिन बैक्टीरियोफेजेस को हमने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाले मीडियम में ग्रो किया, तो उनके डीएनए कोर को लगा, अरे बहुत सारा फॉस्फोरस आ रहा है, मैं इसे एब्जॉर्ब कर लेता हूं। तो इन सारे बैक्टीरियोफेज के अंदर डीएनए का कोर रेडियो एक्टिव बन गया। यानी कि जो बैक्टीरियोफेज हमने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो करे, वो बैक्टीरियोफेज हो गए विद रेडियो एक्टिव डीएनए। ठीक है, दूसरे मीडियम में हमने क्या किया? दूसरे मीडियम में हमने भर लिया रेडियो एक्टिव सल्फर। अब क्या होता है, प्रोटीन का पार्ट होता है सल्फर। अब इन सारे बैक्टीरियोफेज के पास प्रोटीन कहाँ था? उनके आउटर कोट में प्रेजेंट था। तो प्रोटीन के आउटर कोट को लगा, अरे सल्फर है, मैं इसे एब्जॉर्ब करूंगा। तो प्रोटीन के आउटर कोट ने सारा सल्फर एब्जॉर्ब कर दिया। तो इन सारे बैक्टीरियोफेज की क्या चीज रेडियोएक्टिव थी? प्रोटीन कोट रेडियोएक्टिव था। ठीक है, तो हमारे पास दो प्लेट में दो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियोफेज आ गए। एक बैक्टीरियोफेज जिनका डीएनए कोर रेडियोएक्टिव है, और दूसरे बैक्टीरियोफेज जिनका प्रोटीन कोट रेडियोएक्टिव है। तो बैक्टीरियोफेजेस को दो मीडियम में ग्रो किया गया। पहला मीडियम था विद रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस, दूसरा था विद रेडियोएक्टिव सल्फर। जो बैक्टीरियोफेज रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो करे गए, वहां पाया गया कि सारे बैक्टीरियोफेज के पास रेडियोएक्टिव डीएनए है। जो बैक्टीरियोफेज रेडियोएक्टिव सल्फर में ग्रो करे गए, वहां पाया गया कि रेडियोएक्टिव प्रोटीन वाले बैक्टीरियोफेज पैदा हुए हैं। अब आते हैं स्टेप्स ऑफ हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। तीन स्टेप में हर्शे और चेज एक्सपेरिमेंट खत्म होता है, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। अभी हमने पढ़ा था इन्फेक्शन क्या होता है। इन्फेक्शन के प्रोसेस में बैक्टीरियोफेज आपके बैक्टीरिया पर जाकर अटैच हो जाता है। यहां पर जो बैक्टीरिया यूज किया गया हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट में, वो बैक्टीरिया था ईकोलाई। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज किसको इन्फेक्ट कर रहे थे? ईकोलाई को इन्फेक्ट कर रहे थे। अब पहला स्टेप क्या है? इन्फेक्शन, जहां पर बैक्टीरियोफेज जाकर ईकोलाई की वॉल पर अटैच हो गए। पहला स्टेप इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन में मैंने आपको क्या बताया था कि आपके जैसे ही बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया पे जाकर अटैच हो जाते हैं, वो अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं। अभी हमें पता नहीं है कि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर क्या हुआ है, हमें बस ये पता है कि बैक्टीरियोफेज जब बैक्टीरिया को अटैक करेगा तो उसका जेनेटिक मटेरियल अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। यहां जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो गया है। दूसरी चीज आई ब्लेंडिंग। अब ब्लेंडिंग में क्या होता है? देखो, इन्फेक्शन हो चुका, ये बैक्टीरियोफेज अटैच हुआ, उसने जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर दिया। अब जेनेटिक मटेरियल अंदर आ गया है ना सेल के, अब हमें ये बाहर के वायरस के पार्टिकल की क्या जरूरत है? तो ब्लेंडिंग प्रोसेस में, जैसे मम्मी घर पे मिक्सर घुमाती है चटनी बनाने के लिए, उसी तरीके से ब्लेंडिंग करी गई। अब ब्लेंडिंग से क्या हुआ, जो ये चिपके हुए वायरस के पार्टिकल्स थे, ये रिमूव हो गए। ठीक है, ब्लेंडिंग करी, ब्लेंडिंग से क्या हुआ, ई कोलाई पर जो बैक्टीरियोफेज के पार्टिकल्स चिपके हुए थे वो रिमूव हो गए। दिस इज नोन एज ब्लेंडिंग। तीसरी स्टेप आती है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है? स्पिनिंग होती है, रोटेशन होता है, जिसकी वजह से जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो ट्यूब के बॉटम में आ जाएंगे और जो लाइट पार्टिकल्स होंगे वो ट्यूब के ऊपर आ जाएंगे। वापस बताती हूँ, हर्शे एंड चेज के एक्सपेरिमेंट में तीन स्टेप आए। पहला आया इन्फेक्शन, जहां पर बैक्टीरियोफेज को ईकोलाई सेल से अटैच करवाया गया। अटैच करने के बाद ईकोलाई सेल के अंदर बैक्टीरियोफेज ने अपने जेनेटिक मटेरियल को भेज दिया। अब भेज दिया है जेनेटिक मटेरियल, तो हमें इन पार्टिकल्स का क्या काम? इन पार्टिकल्स को जरा वॉल से हटा देते हैं। हटाने के लिए हमने करी ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग करने से ईकोलाई सेल से बैक्टीरियोफेज हट गए। अब हट तो गए हैं, लेकिन मिक्सचर एकदम खराब सा बन गया है यार। ऐसा करते हैं कि सेपरेट कर लेते हैं, जो लाइटर पार्टिकल्स है वो ऊपर आ जाए, हैवी पार्टिकल्स नीचे आ जाए, ताकि हमें पता चल सके भाई बैक्टीरिया कहाँ है या फिर वायरल पार्टिकल्स कहाँ है, है ना। तो तीसरा स्टेप में आया सेंट्रीफ्यूगेशन, जहां पर हमने स्पिनिंग करी। स्पिनिंग से क्या रिजल्ट आया बेटा? जो ईकोलाई के पार्टिकल्स थे, जो बैक्टीरिया के पार्टिकल्स थे, वो सेटल हो गए नीचे, ट्यूब के नीचे सेटल हो गए, और वायरस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट होते हैं, तो वायरस के पार्टिकल्स ऊपर आ गए। तो हमने सेंट्रीफ्यूगेशन करी, मेन स्टेप यही है, सेंट्रीफ्यूगेशन करी और कुछ इस तरीके से रिजल्ट आया। ई कोलाई आपका बॉटम में सेटल हो गया। जो चीज बॉटम में सेटल होती है उसे कहते हैं पैलेट, और जो चीज सोल्यूशन के ऊपर तैरती है उसे कहते हैं सुपरनेटेंट। तो यही बात, सेंट्रीफ्यूगेशन से स्पिनिंग हुई, ट्यूब के नीचे आपके हैवी बैक्टीरियल पार्टिकल्स आ गए एज पैलेट, और वायरस पार्टिकल्स आपके लाइट थे, बैक्टीरियोफेज जो था वो आपका लाइट था, तो सुपरनेटेंट की तरफ से आ गया। अब हमने, याद है ना, दो बैक्टीरियोफेज ग्रो करवाए थे, एक था विद रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस और एक था विद रेडियोएक्टिव सल्फर। जिन बैक्टीरियोफेजेस को हमने रेडियोएक्टिव सल्फर में ग्रो किया था उनके पास रेडियोएक्टिव प्रोटीन था, और जिन बैक्टीरियोफेजेस को हमने रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो किया था उनके पास था रेडियोएक्टिव डीएनए। दो टाइप के बैक्टीरियोफेजेस थे। अब हमने दोनों की ट्यूब रेडी कर ली।
एक में क्या हुआ, हमारे पास ऐसे बैक्टीरिया सेल प्रेजेंट हैं जिनको रेडियो एक्टिव प्रोटीन वाले बैक्टीरियोफेजेस ने इन्फेक्ट किया है। ये क्या है, इनका प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव है। दूसरे हमारे पास वो इकोलाई सेल है जिनको ऐसे बैक्टीरियोफेजेस ने इन्फेक्ट किया है जिनका डीएनए का कोर रेडियो एक्टिव है। अब सेंट्रीफ्यूगेशन की इस ट्यूब को ऑब्जर्व किया गया। अब सबसे पहले हम उस ट्यूब को देखते हैं जिसमें बैक्टीरिया इन्फेक्ट हुए थे विद बैक्टीरियोफेजेस हैविंग रेडियो एक्टिव प्रोटीन। ये पाया गया कि जो आपके पैलेट में इकोलाई के सेल्स है ना, वो रेडियो एक्टिव नहीं हुए। अगर बैक्टीरियोफेज ने इकोलाई को इन्फेक्ट किया होता, हमने बोला है कि इकोलाई को जब इन्फेक्ट करता है तो बैक्टीरियोफेज अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है। अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो इकोलाई के सेल के अंदर प्रोटीन आना चाहिए था। हमने यहां पर पढ़ा था कि इन्फेक्शन के टाइम पर क्या होता है, बैक्टीरियोफेज अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है, वो बैक्टीरिया के सेल के अंदर आ जाता है। तो अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो यहां पर इकोलाई के सेल के अंदर भी हमें रेडियो एक्टिविटी मिलनी चाहिए थी, पर इकोलाई के सेल के अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली, बल्कि ऊपर सुपरनिटेल में जो वायरस के पार्टिकल्स थे यहां रेडियो एक्टिविटी देखी गई। यानी कि वायरसेस ने रेडियो एक्टिव प्रोटीन को इकोलाई में ट्रांसफर ही नहीं किया। और ट्रांसफर क्या चीज होती है, जेनेटिक मटीरियल होता है, यानी कि प्रोटीन जेनेटिक मटीरियल नहीं है, प्रोटीन कोट इज नॉट द जेनेटिक मटीरियल। फिर उन्होंने दूसरी ट्यूब देखी, दूसरी ट्यूब में यह देखा गया कि जो इकोलाई के बैक्टीरियल सेल है उनके जेनेटिक मटीरियल रेडियो एक्टिव है। अब उनका जेनेटिक मटेरियल रेडियो एक्टिव हो गया है, मतलब कि जो बैक्टीरियोफेज है उसने जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर किया वो डीएनए था। क्यों? क्योंकि इस वाले केस में डीएनए वॉज रेडियो एक्टिव। इससे पता चलता है जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए कोर होता है इट इज द एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल। तो बस यही था अल्फ्रेड हर्श और मार्था चेस का एक्सपेरिमेंट जिसके जरिए ये प्रूफ हुआ कि भाई डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। वापस से एक बार फटाफट से समराइज करती हूँ। एल्फोर्ड हर्श और मार्था चीज ने बैक्टीरियोफेजेस के साथ वर्क किया विच आर द वायरसेस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेजेस क्या करते हैं, जब बैक्टीरिया पर चिपक जाते हैं तो अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं। इसी चीज का फायदा एल्फोर्ड हर्श और मार्था चीज ने उठाया। एल्फोर्ड हर्श और मार्था चीज ने बैक्टीरियोफेजेस को दो मीडियम में ग्रो किया। एक था मीडियम जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर प्रेजेंट थी और दूसरा मीडियम था जिसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस प्रेजेंट थी। जिन बैक्टीरियोफेजेस को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो किया गया उनका डीएनए कोर रेडियो एक्टिव हो गया, और जिन्हें रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो किया गया उनका प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव हो गया। इन्फेक्शन कराया, बैक्टीरियोफेज ने अपने जेनेटिक मटेरियल को सेल के अंदर भेजा। अब हमने कहा बैक्टीरियोफेज तेरा कुछ काम नहीं, तुझे हटा दिया जाए। ब्लेंडिंग से बैक्टीरियोफेज को हटा दिया, सेंट्रीफ्यूगेशन से हमने जरा वायरस के पार्टिकल्स और बैक्टीरिया के पार्टिकल्स को अलग कर दिया। ऑब्जर्व करने पर पता चला कि जो बैक्टीरियोफेजेस रेडियो एक्टिव प्रोटीन के साथ थे वो लोग अपने प्रोटीन को इकोलाई के अंदर ट्रांसफर नहीं कर पाए, मतलब प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल। पर जो बैक्टीरियोफेजेस रेडियो एक्टिव डीएनए वाले थे उन्होंने इकोलाई को जब इन्फेक्ट किया तो इकोलाई के अंदर रेडियो एक्टिविटी आ गई। यानी कि बैक्टीरियोफेजेस ने जो चीज ट्रांसफर करी इकोलाई के पास वो रेडियो एक्टिव थी, और यहां पर क्या रेडियो एक्टिव था, डीएनए रेडियो एक्टिव था। तो इससे प्रूव होता है कि भाई डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो 1952 में एल्फोर्ड हर्शे और मार्था चेस ने ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल के जरिए इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन तीन स्टेप के साथ ये प्रूव किया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। बाकी सारे साइंटिस्ट ने कहा हाँ भाई इस एक्सपेरिमेंट में बात तो है तो इसे एक्सेप्ट किया जाए। तो फाइनली ये एक्सेप्ट हुआ और बस डिक्लेयर हो गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो यही था एल्फ्रेड हर्श और मार्था चेस का एक्सपेरिमेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको लगा कि जो मैंने आपको समझाया आपको समझ आ चुका है, तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। Thank you so much for watching this video.